हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत है आपका एक नई वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले हम इस वीडियो में क्लास 10th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसको रिकॉल करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे, एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन निकालते हैं हम ट्राइंगल का, उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, आपके एक्यूट एंगल और साइड्स ऑफ ट्राइंगल के बीच रिलेशन दिखाते हैं। जैसे सपोज साइन थीटा है, ठीक है, थीटा आपका एक एक्यूट एंगल है, ये देखो यहाँ पे बन रहा है। अब थीटा किस तरह रिलेटेड है साइड से, है ना। तो हमको पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट, ये हमने पढ़ा 10th क्लास में, है ना। सिमिलरली कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था, टेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, कॉट आपका टेन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके कुछ रिलेशन थे, है ना। और हमने क्या देखा था, कुछ फॉर्मूले भी देखे थे, जैसे साइन आपका होता है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है ना, तो वन अपॉन कोसेक इसको लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली कॉस को हम वन अपॉन सेक लिख सकते हैं, टेन आपका होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे। कोट आपका होता था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक आपका वन अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक आपका वन अपॉन साइन थीटा। तो हमने ये बात हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, है ना। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की। तो हमने तीन आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी, कौन कौन से थी वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट थी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको याद होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हुआ करती थी, है ना। और अगर बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आपको एक बार रिकॉल कर दूँ कि कोई भी दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री हो रहा है, कोई भी दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री हो रहा है, तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ये भी कुछ रेशियोज पढ़े थे, लाइक साइन 90 माइनस थीटा आपका होता था कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड। सिमिलरली टेन का होता था कॉट थीटा, और कॉट का होता था टेन थीटा, और सेक का होता था कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का होता था सेक थीटा। तो ये भी हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, है ना। और एट लास्ट हम कुछ वैल्यूज की बात कर लेते हैं, हमने 10th क्लास में कुछ वैल्यूज याद करनी स्पेशल एंगल के, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, ये आपके एंगल हैं, थीटा मीन्स इनमें एंगल दे रहा हूँ, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टेन कोट सेक कोसेक, है ना। तो ये हमको वैल्यूज याद है साइन की, साइन 0 0 होता है, साइन 30 वन अपॉइंट टू होता है, साइन 45 वन अपॉइंट रूट टू होता है, साइन 60 रूट 3 अपॉइंट टू होता है, और साइन 90 वन होता है ना। और कॉस थीटा हम कैसे लिखते थे, ये जो साइन हमारा हमने लेफ्ट टू राइट लिखा है इसको ही राइट टू लेफ्ट लिख देते थे, है ना। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे वन आएगा, कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2 होगा, कॉस 45 वन अपॉन रूट 2 रहेगा, कॉस 60 वन अपॉन 2 होगा, और कॉस 90 जीरो होगा। ओके, टेन हमको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ पे 0 अपॉन 1 जीरो होगा, वन अपॉन रूट 2 का डिवाइड करेंगे रूट 3 अपॉन 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन रूट 3, और ये 1 अपॉन रूट 2 है, ये भी 1 अपॉन रूट 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा, और इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा तो रूट 3 बचेगा, और ये 1 अपॉन 0 है ना। तो किसी भी नंबर का अगर 0 से डिवाइड करते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या नॉन जीरो नंबर हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर का अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, है ना, ये कोई रियल नंबर नहीं होता इसलिए डिफाइंड नहीं होता। और अगर किस 0 का डिवाइड करें किसी भी नॉन जीरो नंबर से तो आपका जीरो ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
वन को डिवाइड किया था जीरो से, वन को सॉरी जीरो को वन से डिवाइड किया था तो जीरो आया, और अब वन को नॉन जीरो वन है, वन को जीरो से करूँगा तो इन्फिनिटी आएगा, ये होगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ओके अब कॉट थीटा की बात करते हैं, कॉट आपका होता है टेन का रेसिप्रोकल राइट, या फिर कॉस अपॉन साइन, तो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो होगा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, और वन अपॉन रूट थ्री का रेसिप्रोकल रूट थ्री। ओके वन का रेसिप्रोकल वन, रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन अपॉन रूट थ्री, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो। अच्छा जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो अगर इन्फिनिटी है ठीक है, तो जीरो अपॉन वन आपका होगा जीरो, sec थीटा आपका होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो वन का रेसिप्रोकल वन, और रूट थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू का रूट टू, वन अपॉन टू का टू, और जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, वन अपॉन टू का टू, वन अपॉन रूट टू का रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू का टू अपॉन रूट थ्री, और वन का वन। तो ये आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज थी, 0, 30, 45, 60 और 90 ठीक है। तो ये आपका कुछ ये क्विक रिकैप था जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, हमने ये सब 10th में पढ़ा था है ना, और बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो से हम बिल्कुल आपकी एक्चुअल 11th में जो आपका सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।